नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का आज के इस नए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। तो आज मैं आप लोगों को एक लेटर दिखाने जा रहा हूँ जो अभी आप हमारे हाथ में देख रहे हैं। ये लेटर जारी किया गया है 29/11/2022 को, और ये जो लेटर है वो किस संबंध में जारी किया गया है, यानी कि ये जो लेटर जारी किया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्रिएट करने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। तो ये लेटर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इस लेटर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो मैं आप लोगों को इस लेटर में बताऊंगा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को इसमें क्या करना है, ये जो योजना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं को क्या करना है, यानी हेल्थ आईडी बनाना है वो कैसे बनेगा। तो चलिए इस लेटर में पूरी जानकारी आप लोगों को बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट आएगी जो हमेशा से रहती है, अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। लेटर की जो संचिका संख्या है वो 5994 है, और इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेशक ICDS निदेशालय बिहार पटना। लेटर को जारी किया गया है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS बिहार, यानी कि बिहार में जितने भी DPO हैं उन सभी को ये लेटर जारी किया गया है, और जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं बिहार में उन सभी पे ये नियम लागू होने वाला है। इस लेटर का जो विषय है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिखा गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत, यानी ABDM इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ABHA, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्रिएट करने के संबंध में। तो आइए जानते हैं कि इस लेटर में जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्रिएट किया जाएगा उसमें आप लोगों को क्या क्या करना है। इसके साथ साथ प्रसंग भी जारी किया गया था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का जो पत्रांक है वो 26/10/2022 को भी जारी किया गया था। उसके बाद ICDS विभाग ने इस लेटर को जारी किया है। लिखा गया है महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि ABDM के तहत पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने एवं स्वास्थ्य प्रदाता अस्पताल या स्वास्थ्य लाभ से संबंधित योजनाओं से लाभान्वित होने वाले नागरिकों का रिकॉर्ड एवं प्रबंधन के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्रिएट किया जाना है। अब समझिए, ये जो मिशन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इस मिशन के तहत नागरिकों का डिजिटल हेल्थ आईडी बनाया जाएगा, जिसमें कि जितने भी नागरिक इस आईडी को बनवाते हैं उनका पूरा हेल्थ से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखे जाएंगे। और जिस प्रकार से आप लोग आधार कार्ड में 12 डिजिट का एक नंबर देखते हैं, उसी प्रकार से इस आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी का भी एक नंबर जेनरेट किया जाएगा, जिस नंबर के तहत उस व्यक्ति का जो पूरा डेटा है हेल्थ आईडी का डेटा, उसका डेटा निकल जाएगा, और आगे भविष्य में कोई भी इससे महत्वपूर्ण काम आएगी तो उसके बारे में इस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है। और जो ये हेल्थ आईडी बनाई जाएगी इसमें इन लोगों को 5,00,000 रुपये तक की हेल्थ आईडी का बीमा कराया जाता है, जिसमें कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भी अगर कोई बीमारी होती है तो वो अस्पताल में जाके इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, कि आगे लिखा गया है ABHA यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अंतर्गत हेल्थ रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए एक वेब पोर्टल जारी किया गया है, जिसका लिंक मैं आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, www.abha.admn.gov.in। तो इस लिंक से जो भी नागरिक हैं उनका हेल्थ अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, और इसके साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन से भी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु, कोविन, पेटीएम, इक्का केयर, ड्राइफेस पर हेल्थ अकाउंट क्रिएट किया जा सकता है। देखिए, इस पत्र में सिर्फ इतने ही ऐप के बारे में बताया गया है, लेकिन एक और जो दूसरा पत्र जारी किया गया है उस पत्र में आरोग्य सेतु, कोविन, पेटीएम और ये जितने भी ऐप हैं, इन ऐप के अलावा जो पोषण ट्रैकर ऐप है जहाँ पर आंगनबाड़ी सेविकाएँ भी जो हेल्थ आईडी है उसको क्रिएट कर सकती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता होगा क्रिएट हेल्थ आईडी, उसी के तहत जो लाभुक है उन लाभुकों का आप लोग हेल्थ आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और आगे लिखा गया है प्रासंगिक पत्र के आलोक में निर्देश है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्रिएशन ड्राइव में नागरिकों को ABHA यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के बारे में जागरूक कर हेल्थ रिकॉर्ड को लिंक करने के लिए प्रेरित करने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे। तो देखिए, ये जो पत्र है इस पत्र में यही बातें लिखी गई है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो बनाया जाएगा इसमें जो आम नागरिक है उन नागरिकों तक इसके बारे में जागरूकता फैलानी है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आप लोग बनवा लीजिए। तो इसी से संबंधित जो भी सेविकाएं हैं अभी फ़िलहाल उनको आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से संबंधित जो भी आम नागरिक हैं या लाभुक हैं उन तक ये बात
पहुंचानी है। बाकी आप लोगों को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो क्रिएट करना है वो पोषण ट्रैकर ऐप से जब कराया जाएगा तो उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में जाके नागरिकों का या लाभुकों का आप लोग आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।